हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट वन इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन द एंटेरो एक्सिस तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है इनकरेक्ट क्यों है इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है ठीक है जब रिलैक्स स्टेट में रिलैक्स है जब डायफ्राम तब उसकी शेप कैसी होती है डोम शेप होता है वो डोम शेप होगा बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कैसा हो जाता है फ्लैट जैसे हो जाता है जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैविटी का वॉल्यूम क्या करता है बढ़ जाता है इंक्रीज कर जाता है ठीक है और जब आपके एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिब केज और रिब्स जो है वो मूव करते हैं अप और आउट अपवर्ड और आउट आउटवर्ड मूवमेंट शो करते हैं ओके तो यहां पर ये इनकरेक्ट हो गया है यहाँ क्या रहे डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन होने से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और कैसे डिक्रीज कर रहा है एंटेरोपोस्टीरियर एक्सेस पर तो ये भी इनकरेक्ट है अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट टू में कह रहे हैं द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है ठीक है ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है अगर आप लंग देखें रफली अगर हम यहाँ पर लंग बनाए आउटर लेयर जो होती है उसे क्या बोल देते हैं पेराइटल प्यूरा और अंदर वाली को बोल देते हैं विसरल प्यूरा ठीक है अब जो

इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू क्लास इलेवन पेज नंबर वन एटी फाइव वन एटी सिक्स पर गिवन है थैंक यू